हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, वुमेन्स की बॉडी में पीरियड्स आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है और यह 13 एज से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी में भी कई बदलाव आते हैं और उन्हीं में से एक बदलाव आता है पीरियड्स का आना, जो कि नॉर्मल है। बट कभी कभी किसी कारण से पीरियड्स नहीं आते हैं। अगर पीरियड्स 4 से 5 दिन लेट हो जाते हैं तो नॉर्मल है, बट अगर 10 से 15 दिन तक अगर आपके पीरियड्स नहीं आए हैं तो एक टेंशन हो जाती है। तो गाइस, आज के वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, पीरियड्स नहीं आने के क्या कारण हैं। साथ ही मैं आज आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जिसे आप यूज़ करके बहुत जल्दी एक दिन में ही आपके पीरियड्स आ जाएंगे। और अगर इसे आप ज़्यादा दिन में 3-4 बार यूज़ करेंगे तो हो सकता है 2 से 3 घंटे में भी आपके पीरियड्स आ जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। गाइस, पीरियड्स नहीं आना भी एक चिंता की बात होती है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, चिंता की वजह से भी हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, जिस वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। एंड गाइस, अगर आप मैरिड हैं और आपके काफ़ी टाइम तक पीरियड्स नहीं आए हैं तो हमें डाउट होता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो ऐसे में आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। मोस्टली कई रीज़न से पीरियड्स नहीं आते हैं। ज़्यादा तनाव की वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं, कई अगर आपके मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन की वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। एंड वेदर चेंज की वजह से, कई बार हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग की वजह से भी हमारा वेदर चेंज होता रहता है, उस वजह से भी पीरियड्स नहीं आते हैं। अत्यधिक मात्रा में दवाइयों के सेवन से भी पीरियड्स नहीं आते हैं। और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी पीरियड्स नहीं आएंगे। और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक करती हैं, स्विमिंग करती हैं, तो ऐसे में भी पीरियड्स लेट हो जाते हैं। ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं जिस वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। प्रेगनेंसी ही मेन रीज़न नहीं होता है पीरियड्स नहीं आने का। अब आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिन्हें यूज़ करके आप 1 डेज में ही अपने पीरियड्स को बुला सकते हैं। और बहुत ही ईजी घरेलू उपाय है, आपको अपनी किचन में ही मिल जाएंगे। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, फर्स्ट है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को आपको गर्म पानी में बॉईल करना है, जिस तरीके से हम चाय बनाते हैं, बट आपको उसमें चीनी और दूध ऐड नहीं करना है। 3 से 4 आप लौंग डाल लीजिए, जो कि गर्म होती है और गर्म का काम करती है। तो उस चाय को आपको उबालना है। अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं तो तब तक उबालना है जब तक वो 1 कप हो जाए, और उसे छान कर ठंडा होने के बाद आपको पीना है। इस तरीके से आप दिन में 3 से 4 बार पिए, आपके 1 डेज में ही पीरियड्स आ जाएंगे। एंड गाइस, सेकंड, कलौंजी को आप अच्छे से पानी में उबाल लीजिए। जब तक पानी आधा हो जाए तब तक ही आपको उबालना है। उबालने के बाद इसका पानी भी आपको दिन में 3-4 बार पीना है, इससे भी आपके पीरियड्स जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें गर्म करती है और गर्मी की वजह से पीरियड्स आ जाते हैं। गाइस, आप पपीता खाइए, मैंगो खाइए, खजूर खाइए, ये सभी गर्म होते हैं जिनसे पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप खजूर को 2 दिन तक कंटिन्यू खा के देखें गाइस, आपके बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाएंगे। ये नुस्खा मैंने भी आजमाया है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। एंड थर्ड है गाइस, अजवाइन का पानी। आप अजवाइन के पानी को बॉईल करके पीजिए। अजवाइन बहुत गर्म होती है और उससे पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं। आप 1 गिलास पानी को लेकर बॉईल कीजिए और उसमें अजवाइन को अच्छे तरीके से उबाल लीजिए। जब तक पानी 1 कप नहीं हो जाता है, 1 गिलास से 1 कप नहीं हो जाता है, तब तक आपको इसे अच्छे से बॉईल करना है और इसे आपको दिन में 3 से 4 बार पीना है। इस तरीके से पीने से भी आपके पीरियड्स जल्दी आ जाएंगे। गाइस, नेक्स्ट है अदरक। अदरक को आप बारीक टुकड़ों में कट कर लीजिए और उसको भी आपको बॉईल करके उसी तरीके से पीना है जो मैंने अभी बताया, इसको भी आप पी सकती हैं। नेक्स्ट थोड़ा कड़वा है, बट अगर आप कर सकती हैं तो आप पीजिए जरूर। कॉफ़ी, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, साथ ही कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आप कॉफ़ी को बॉईल कर लीजिए। आपको चीनी और दूध ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्लैक कॉफ़ी पीनी है।
ब्लैक कॉफी को अच्छे से बॉईल करके दिन में 3-4 बार पीजिए, इससे भी आपके पीरियड्स कुछ ही घंटों में आ जाएंगे। एंड गाइस नेक्स्ट, अगर आपको इमली खाना पसंद है तो आप कच्ची इमली भी खा सकती हैं। इन सभी चीज़ों से आपके पीरियड्स काफ़ी जल्दी आ जाएंगे। तो गाइस ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कीजिए, आपके पीरियड्स 1 डेज में ही आ जाएंगे, क्योंकि पीरियड्स नहीं आना भी एक टेंशन की बात होती है और नहीं आने से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पीरियड्स नहीं आने से आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, फेस पे दाने हो जाएंगे, फेस पे झाइयाँ पड़ जाएगी, फेस का ग्लो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए गाइस आप अपने पीरियड्स को कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपके पीरियड्स हैं और आपके पीरियड्स से आपका जो हार्मोन्स हैं वो भी ठीक से रहेगा। आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को आप ठीक रखिए। इसके लिए आप कोई भी ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपके आयरन की पूर्ति हो। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।